आज मैं आपको कक्षा 11वीं इतिहास अध्याय 6 सामंतवाद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। सामंतवाद क्या होता है, उसकी व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसे स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या किसी केंद्रीय सत्ता को प्राप्त होती है। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपनी अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों अथवा अन्य राजभक्तों में बांट देता है। उस वितरित भूभाग के स्वामी ये व्यक्ति बन जाते थे। वे अपनी इच्छा अनुसार कृषकों से खेती करवाते हुए उनसे कर वसूलते थे। ये इतिहासकार ने अपने शब्दों में बतलाया है, इतिहासकार है वे वर्टर। पिछले अध्यायों में हमने समय की शुरुआत और आदि मानव के विकास से लेकर विभिन्न सभ्यताओं एवं साम्राज्यों के विकास की कहानी का अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय में 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सामंतवाद थी। सामंतवादी व्यवस्था ने इस युग में यूरोप वासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। इस अध्याय का केंद्र बिंदु तीन वर्ग में है। तीन वर्ग का अभिप्राय यूरोप की तीन सामाजिक वर्गों से है, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। इन तीनों वर्गों के इस काल के इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों जैसे भू स्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनी मुकदमों से आदि से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त तात्कालीन चर्चों से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चर्चों से मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधी अभिलेखों की मदद से परिवारों एवं जनसंख्या की संरचना को समझने में काफी सहायता प्राप्त होती है। चर्चों से प्राप्त विभिन्न अभिलेखों से तात्कालीन व्यापारिक संस्थानों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही वहां से प्राप्त गीतों और कहानियों से सामाजिक, सामुदायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यूरोप में सामंतवाद। सामंतवाद मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी व्यवस्थाएं इसके ऊपर आधारित हैं। सामंतवाद को अंग्रेजी में प्लूटलाइज्म कहते हैं। प्लूट शब्द की उत्पत्ति प्लूडम शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ जागीरदार होता है। प्राचीन काल में जब रोम जैसे विशाल साम्राज्य स्थापित हो गए तो शासकों को अपने विशाल साम्राज्य की उचित समय पर उचित देखभाल करना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में शासक बने अपने वंशजों की संबंधियों और अभिजात व्यक्तियों को अपने साम्राज्य के कुछ से देखभाल के लिए देने लगे। इन लोगों को यह भार सौंपा गया, उन्हें इसके बदले में शासक द्वारा निर्धारित सैनिक रखने पड़ते थे। इन लोगों को युद्ध में शासक को सहयोग देने के अतिरिक्त निर्धारित भूभाग में रहने वाले लोगों की देखभाल करनी होती थी। कालांतर में इन
संबंधियों और अभिजात व्यक्तियों के अधिकार पृथक हो गए और वे सामंत कहलाने लगे। सामंतवाद की परिभाषा क्या है? यह एक कठिन प्रश्न है, क्योंकि यूरोप के प्रत्येक देश में सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप अलग अलग था। फिर भी यह निश्चित है कि यह भूमि वितरण पर आधारित एक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था थी। सामंतवाद की परिभाषा देते हुए वेबस्टर ने लिखा है, सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या किसी केंद्रीय सत्ता को प्राप्त होती है। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपनी अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों अथवा अन्य राजभक्तों में बांट देता है। उस वितरित भूभाग के स्वामी ये व्यक्ति बन जाते थे। वे अपनी इच्छा अनुसार कृषकों से खेती करवाते हुए उनसे कर वसूलते थे। सामंतवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सामंतवादी व्यवस्था ने मध्ययुग में यूरोपवासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। मध्ययुग की इस व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी वह निम्नलिखित हैं। पहला है सुरक्षा का सुगम साधन। विशाल साम्राज्य स्थापित हो जाने पर उनकी सुरक्षा का सुगम साधन सामंतवाद ही सिद्ध हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामंतों ने अपनी सेनाओं को सुदृढ़ किया और बब्बर जाति के आक्रमणों से अपने अपने राज्यों को सुरक्षित रखा। इसमें राजा को सेना समय पर मिल जाती थी और सुरक्षा का भार भी बढ़ जाता था। मूल रूप से यह एक सैनिक व्यवस्था ही थी। दूसरा है इसका प्रशासनिक सुधार। विशाल साम्राज्य एक व्यक्ति द्वारा भली भांति शासित नहीं किया जा सकता। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता था और उन छोटे छोटे खंडों का शासन सामंत भली भांति संचालित कर लिया करते थे। जनता से उनका सीधा संपर्क होता था। जनता उनके प्रति स्वामी भक्त भी होती थी। जनता सामंतों को शिकायत आसानी से कर सकती थी और उसका निराकरण भी तत्परता से हो जाता था। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन विकेंद्रीकरण तथा कालांतर में प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हुआ। तीसरा है न्याय प्रणाली की व्यवस्थित होना। सामंतवादी व्यवस्था से न्याय प्रणाली को भी लाभ पहुंचा। प्रत्येक सामंत के यहाँ दो प्रकार के न्यायालय होते थे। प्रथम न्यायालय में वे अपने अधीनस्थ मामलों के सामने सुनता था तथा दूसरे न्यायालय में वे कृषक मजदूरों के मामलों को सुनता था। इन न्यायालय ने कालांतर में यूरोपीय कानून प्रणाली की नींव डाली। चौथा है आर्थिक लाभ। सामंतवादी व्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सामंत किसानों को भूमि सदैव के लिए नहीं देते थे। सामंत स्वयं किसानों से भूमि जुटवाते थे और किसानों को परिश्रम के बदले पैदावार का कुछ भाग दिया करते थे। इससे भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होती थी। सामंत समस्त भूमि को एक साथ जुटवा कर कुछ खाली छोड़ दिया करते थे और दूसरी फसल की पैदावार उस खाली भूभाग में करवाते थे। इस प्रकार भूमि निरंतर जोती जाती थी। फसल में अंतराल के रहने से भूमि अपनी उर्वरता को कायम रखती थी। इस कारण पैदावार खूब अच्छी होती थी
और अच्छा आर्थिक लाभ होता था। यह आर्थिक लाभ शासक को सामंतों से तथा सामंतों को व्यापारियों से प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त सुरक्षा कार्यों में भी शासक को कम खर्च करना पड़ता था। पांचवा है शांति व सुव्यवस्था में सहायक। सामंतवादी व्यवस्था का जन्म ही अशांत वातावरण में हुआ। यद्यपि विशाल साम्राज्यों की स्थापना आवश्यक हो रही थी, परंतु सुप्रशासन के अभाव में उन विशाल राज्यों में चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। विदेशी आक्रमणों से राज्यों में अराजकता फैल रही थी, परंतु सामंतवादी व्यवस्था ने राजनीतिक अराजकता व अव्यवस्था के समय सदृढ़ सामाजिक संगठन स्थापित करने का प्रयत्न किया। सामाजिक जीवन में सामंतों ने संतुलित स्थापित करने का प्रयत्न किया। बब्बर जातियों के आक्रमणों को असफल बनाकर अपनी संरक्षित जनता को उनकी लूटमार से बचाया। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था शांति व सुव्यवस्था कायम करने में सहायक सिद्ध हुई। छठवां है कला का विकास। सामंतवाद के प्रादुर्भाव से यूरोपीय देशों में विभिन्न कलाओं का भी विकास हुआ। सामंत अपने निवास के लिए भव्य प्रासाद बनवाते थे तथा सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग बनवाते थे। इससे स्थापत्य कला विकसित हुई। इसी प्रकार उसके आश्रम में कवि कविताएं करने लगे तो मूर्तिकार सुंदर मूर्तियां बनाने लगे। सामंतों के दरबार में चित्रकला व संगीत कला का भी खूब विकास हुआ। बच्चों, यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद मैं इस पाठ के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, उसके बारे में आपको